और आइए आगे बढ़ते, आपको बताते हैं कि समाजवादी पार्टी ने मेरठ सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब सरधना से समाजवादी पार्टी विधायक अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है। पहले यहां से भानु प्रताप सिंह को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन अब यहां से कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। भानु प्रताप सिंह की जगह पर अब यहां पर मौका दिया गया है समाजवादी पार्टी के सरधना से विधायक अतुल प्रधान को। सुप्रीम कोर्ट के वकील दलित चेहरा भानु प्रताप सिंह का टिकट काटकर अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले 5 दिनों से ही समाजवादी पार्टी में मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी के नाम को लेकर खींचतान चल रही है और अब ये एक सटीक आपको जानकारी दे रहे हैं, भानु प्रताप सिंह का टिकट कट गया है। जो टिकट उनको पहले मिला था, अतुल प्रधान कैंडिडेट घोषित किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। उधर मेरठ में बड़े सियासी उलटफेर की भी संभावना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से रफीक अंसारी ने भी पर्चा खरीदा है। रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी से शहर विधायक हैं, यानी कि मेरठ में समाजवादी पार्टी की तरफ से नामांकन पत्र खरीदने वालों की संख्या 3 हो गई है। ये एक बड़ा उलटफेर, आप ठीक रामपुर और मुरादाबाद की तर्ज पर आप इस जानकारी को और इस अपडेट को ले सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर नामों पर मंथन लंबा चला, कई लोगों ने पर्चे खरीदे, पर्चे दाखिल किए, लेकिन अंत में समय लेते हुए ये स्थिति साफ हो पाई है कि कौन वहां से कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने घोषित किया। लेकिन इसी तरह की अब जो तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है वो मेरठ से बनती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी ऋषभ मणि और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि, समाजवादी पार्टी इस पर क्या जानकारी दे रही है? कुछ स्पष्ट तौर पर पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए कई नाम आ रहे हैं सामने, जो जानकारी अभी मिल रही है उसमें अतुल प्रधान को टिकट दिया गया है, भानु प्रताप सिंह का टिकट कटा गया है, लेकिन कुछ और चेहरे हैं जो कि यहां पर्चा भरते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर सटीक जानकारी क्या है ऋषभ मणि? देखिए, ऑफिशियली समाजवादी पार्टी की ओर से अतुल प्रधान को मेरठ से लोकसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। अतुल प्रधान के बारे में बता दें कि अभी उन्होंने सरधना से, वो विधायक है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने पिछला चुनाव 2022 में संगीत सोम जो भाजपा के बड़े नेता थे वहाँ पे हिंदू चेहरा भी उनको माना जाता था, उनको हराया है। अतुल प्रधान का अच्छा खासा कद है समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव के करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन जब पहले टिकट की घोषणा हुई थी तो भानु प्रताप जी को वो टिकट दिया गया था। अब एक कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गया है कि मेरठ शहर से ही जो विधायक है रफीक अंसारी, उन्होंने भी पर्चा ले लिया और खुद को समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बताया है। तो जाहिर सी बात है कि अब ये सारे कन्फ्यूजन समाजवादी पार्टी को खुद ही दूर करने होंगे कि क्या कहीं कोई उठापटक चल रही है प्रत्याशियों के बीच में, क्योंकि मेरठ लोकसभा ऐसी है कि जहां पर मुस्लिम, जाट, ये दलित, ये सारे ही जो वोट बैंक है बहुत ही डिसाइडिंग साबित होते हैं। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना होगा समाजवादी पार्टी को भी कि जब ऑफिशियल आपने प्रत्याशी घोषित कर दिया है तो किसी भी तरह की कोई खींचतान, कोई उठापटक ना रह जाए। तो अब जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, अब धीरे धीरे स्थिति साफ हो रही है। अतुल प्रधान को वहाँ पे एक मजबूत नेता और अखिलेश यादव का करीबी भी माना जाता है। तो अभी कोई ऑफिशियल वर्जन इसके बाद नहीं आया है, लेकिन ऑफिशियली अतुल प्रधान को प्रत्याशी बना दिया है समाजवादी पार्टी ने। ये बात जमीनी हकीकत बेहतर बता सकते हैं, क्या मतलब अरुण गोविल जो है उनके वजह से इतनी जद्दोजहद हो रही है, क्या मतलब उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मान के ही यहां पर समाजवादी पार्टी अब तक, हालांकि ऑफिशियल नाम का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन उन्हीं के एक और नेता हैं ये जिनकी हम बात कर रहे हैं रफीक अंसारी, इतनी उठापटक अरुण गोविल के नाम की वजह से ही चल रही है क्या? देखिए, ये सीधे तरह से कहना सही नहीं हो, क्योंकि कोई भी पार्टी जब कोई भी चुनाव लड़ती, किसी भी लेवल का चुनाव लड़ती है, तो जाहिर सी बात है चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ा जाता है। किसी भी पार्टी को मजबूत या कमज़ोर कह के आंकना इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बेहतर नहीं होगा। तो अब ये बात बिल्कुल सही है कि समाजवादी पार्टी ने भी जब ये बात एसेस की होगी कि हाँ भारतीय जनता पार्टी की ओर से अरुण गोविल प्रत्याशी हो गए हैं, उनको लेकर के एक अलग सेंटीमेंट है, उनको लेकर के एक पर्टिकुलर वोट बैंक है जो एक दिशा में जा सकता है। तो लेकिन इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में ऋषभ मणि समाजवादी